भगवान बुद्ध का धर्म पूर्व के कई राष्ट्रों का धर्म है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, मंगोलिया, तिब्बत, भूटान, मकाओ, बर्मा, लागोस और श्रीलंका तो बौद्ध राष्ट्र है ही, साथ ही साथ भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्राजील और अफगानिस्तान में भी बौद्धों की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बौद्धों पर हुए अत्याचार के चलते वहां इनकी संख्या कम हो चली है। आओ जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में 10 अनसुनी बातें। ये संयोग है क्या कि प्लानिंग के वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। उनकी माता महामाया देवी जब अपने नेहर देवदह जा रही थी तो कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था, वहीं पुत्र का जन्म दिया। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध शाक्यवंशी क्षत्रिय थे। शाक्यवंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती शुद्धोदन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि एक बार वे शाक्यों के संघ में सम्मिलित होने गए, वहां उनका वैचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे, वह ये कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहे। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहे, मैं संन्यास लेकर चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा, आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजस्व वस्त्र उतारे और केश काट कर खुद को संन्यस्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्त की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों के वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है, शल्य के बाद बहक्षय, उरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रिवाश्च, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतिम, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्जय, व्रात, रणज्जय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन और फिर सिद्धार्थ हुए, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हें सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे। राहुल को कहीं कहीं लांगल लिखा गया है।
राहुल के बाद प्रसेनजीत, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। इस तरह का उल्लेख शाक्यवंश समाज की पुस्तकों में मिलता है। शाक्यवार समाज भी ऐसा ही मानता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। कहते हैं कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जय कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबादी बुद्धा नाम से प्रवचन माला ओशो ने कही। देह छोड़ने के पूर्व बुद्ध के अंतिम वचन थे, अप्पदीपो भवः सम्मासति, अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। बुद्ध के प्रमुख गुरु गुरु विश्वामित्र अलारा कलम अदाकार रामापुत्त थे, जबकि बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली थे। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचारकों में प्रमुख रूप से अंगुलीमाल, मिलिंद यूनानी सम्राट, सम्राट अशोक, वैन सांग, फाशेन, ई जिंग, हे चो, बोधिसत्व या बोधि धर्मा, विमल मित्र, वैंदा, उपगुप्त, व्रज बोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, मैत्रेयनाथ, आर्य असंग, वसुम्बंधु, स्थिरमति, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, क्षांतरक्षित, कमलशील, सौत्रांतरिक, आम्रपाली, संघमित्रा आदि का नाम लिया जाता है। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के दो हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए। सभी भिक्षुओं को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखे जाने की, किंतु देश और काल के अनुसार इनमें बदलाव आता रहा। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं, और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात तीन पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्तपिटक के खुदक निकाय के एक अंश धम्म पद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध है, जिनके आधार पर ही ईसप की कथाएं निर्मित हुई। पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्ध और योग को पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेक बौद्ध राष्ट्रों में बौद्ध मठों में पश्चिमी जगत की तादाद बढ़ी है। सभी अब ये जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वे बौद्ध धर्मों से ही ली गई हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पूर्व पूरे विश्व में फैल चुका था। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हो। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध परस्ती शब्द की उत्पत्ति ही बुद्ध शब्द से हुई है। बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से मुल्कों में शोध जारी है। धन्यवाद।